हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अभी हमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन समर्थ की ऑफिशियल पोर्टल पर, जहां पे आपका एमपीएड का काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, तो जैसे उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। चलिए हम देख कर देखते हैं क्या क्या मांग रहे हैं इसमें। यहाँ पर डालना है दोस्तों आपको एप्लीकेशन नंबर, फिर आप डालेंगे यहाँ पर रोल नंबर, फिर अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ ये तो आप फिल कर लेंगे, ईमेल आईडी, ठीक है, वापस री एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करिएगा जैसा आप ईमेल आईडी का क्रिएट करते हैं, फिर री एंटर करिए पासवर्ड को, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर उसी को दोबारा डालिए और एक कैप्चा डालेंगे, फिर एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे, फिर वेरीफाई करके आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर हमें जाना पड़ेगा लॉगिन पे, तो चलिए हम जाते हैं लॉगिन पे। यहाँ पे डालना है आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और फिर डालना है यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन, फिर आप डाल देंगे कैप्चा और करेंगे लॉगिन। तो चलिए हम भी लॉगिन कर। तो दोस्तों हमने अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर लिया है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपका नाम नेम से होगा जैसा कि यहाँ पे से हो रहा है जिसका मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो आपको प्रोसेस दिखाया गया इसमें क्या क्या प्रोसेस है। पहला स्टेप है कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरा स्टेप है अप्लाइंग प्रोग्राम और थर्ड स्टेप है आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस इफ एप्लीकेबल एंड सबमिट द एप्लीकेशन। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं लग रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जाएंगे प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो आपका मतलब मैक्सिमम डिटेल्स है जो पहले से फिल हुआ आ रहा है। ठीक है, जो आपका नेम एम है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एज ऑलरेडी दिया हुआ है, अब कैटेगरी क्या है हमारा ऑलरेडी मेंशनड है, इसमें लिखा हुआ है ओबीसी। अब मांगे यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका है सर्टिफिकेट में चेक करके भर दीजिएगा। फिर पूछा है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है फॉर ओबीसी सेंट्रल लिस्ट नॉन क्रीमी कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। मतलब जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है 2022 एक अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, इशूइंग डेट। अगर आपका मान लो उससे पहले का बना हुआ है और काउंसलिंग से पहले आप रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव भी आपको बता दूंगा मैं, उसके लिए आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा अल्टरनेटिव में अगर आपको डालना है, तो बाकी सब आप फिल कर लेंगे। ब्लड ग्रुप डाल दीजिएगा जो भी आपका है, ठीक है, फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया यस कर दीजिएगा, रिलीजन जो भी आपका है रिलीजन, फिर आप मदर टंग डाल दीजिएगा जो भी आपका है, फैमिली डिटेल्स आपका ऑलरेडी आ रहा है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका है। अब यहाँ पूछा हैव यू एवर एनरोल्ड इन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिफोर, क्या आपने जो पहले एलएनएपी से पढ़ा है, यस तो यस कर दीजिएगा, नो तो नो कर दीजिएगा। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका PH 2019 ऐसा करके कुछ आपका जो मार्कशीट है हर सेमेस्टर वाला जो हमें मिलता है उसमें दिया रहता है। नेम ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट फैकल्टी या कॉलेज यहाँ पे डाल दीजिएगा, एलएनआईपी प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन, तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम में जो भी आपका है डीपीएड डाल दीजिएगा, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उस कोर्स में, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको हुआ 2019 में 2019 डाल दीजिएगा। अब आते हैं अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन इन बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप आते हैं तो इसमें कर दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। फिर आगे आपको डालना है एड्रेस, ये सब तो आप फिल कर लेंगे, अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट भी तो क्लिक एस, क्लिक इफ सेम एस करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमें जो फॉर्म है लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हमें जल्दी जल्दी प्रोसीड करना पड़ेगा, जहां बताने की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ और आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों हमने पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लिया है, ठीक है, फिल करके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, तो सेव नेक्स्ट पे जाएंगे, ओके कर देते हैं, ठीक है, तो एक प्रीव्यू आएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है, अगर आपको उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो अपडेट डिटेल्स में जाकर चेंज करिएगा, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करिएगा। तो हम करते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट और बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। तो यहाँ पे पूछा है अदर डिटेल्स में डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, अगर आपको कुछ है तो बता दीजिएगा यहाँ पर, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसको हम स्किप कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी गैप है जब आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया था पीजी के बीच में अगर कोई गैप है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी एनसीसी सर्टिफिकेट है तो फिल कर दीजिएगा। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विसेज स्कीम एनएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा यस,
आर यू बोर्ड ऑफ LNIP यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? नहीं है तो नो कर दीजिएगा। डू यू हैव पासपोर्ट और अप्लाई फॉर पासपोर्ट? यस तो यस, नो तो नो। अब यहाँ पे पूछेगा आपका लैंग्वेज वाले भी कॉलम में, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है इंग्लिश में, जो भी आपको लिखना आता है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग पे टिक कर देते हैं। हिंदी में भी सेम कर देना है, आपको लिखना आता है पढ़ना आता है और बोलना आता है। अदर लैंग्वेज वाला आप स्किप कर सकते हैं, अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फिर आप करेंगे सेव नेक्स्ट पे, तो इसको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर हम करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार प्रीव्यू आया हुआ है, यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है, इसको मैंने फिल कर लिया। एनी गैप सर्टिफिकेट? नो। एनसीसी सर्टिफिकेट? सीके? ठीक है, अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा, बाकी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट पर। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है, जो जो मैंने मांगा था, फोटो यहाँ पर आपका अपलोड होगा, सिग्नेचर आपका लगेगा, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है लगेगा, अनरिजर्व के लिए ये चीज नहीं लगेगा, ठीक है। रेलिवेंट लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या लगाना है, सबके उन्हें डाउट है, तो यहाँ पे लगाना है जो कल आपका पीडीएफ आया ना, जो पूरा फॉर्मेट आया है, जहां पर आपका टोटल नंबर दिया गया, आपको कितना मिला है, तो जो एक पेज है उसका आप फोटो लेंगे, जहां पे अपना आपका नाम दिया गया है, आपका मार्क्स दिया गया है, उसको मार्क करके उसका पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई किया है, तो यहाँ पे मुझे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट भी किया है, मेरे पास है सीई सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर मुझे उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं सारा अपलोड कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, अभी मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं था इस बच्चे का, तो उसको हटा दिया मैंने, नो कर दिया। बाकी इनकम सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं था, तो उसको भी मैंने नॉट अप्लीकेबल कर दिया है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास उसका अपलोड करके आगे प्रोसीड करके देखते हैं क्या मांग रहा है। सबमिट एंड लॉक कर दिया हमने। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर द करेक्टनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करके कंफर्म एंड लॉक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पड़ाव था वो पार कर लिया हमने। अब आ रहे हैं आप प्रोग्राम लेवल, ठीक है, तो इसमें करेंगे मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आएगा सिलेक्ट प्रोग्राम में, तो पहला प्रेफरेंस में किसको रखना है आपको सेंटर को, तो मुझे रखना है ग्वालियर, तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा LNIP मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर सेंटर को। अब यहाँ से करूंगा प्रोसीड, अब प्रोसीड कर दिए, ठीक है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, नॉट पेड, नॉट सबमिटेड, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स फिल करी है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया, अब हम करते हैं नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको फिल करना है बाकी डिटेल्स, ठीक है, 10th का पूरा कंप्लीट, 10th क्लास, 10th ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने 12वीं पास करी है, क्लास 10th परसेंटेज, अगर आपका CGPA में है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा, जो भी आएगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। क्लास 10th डिवीजन यहाँ पे डालिएगा, फर्स्ट अगर है तो FIRST डालिएगा, तब आपका एक्सेप्ट करेगा, अगर सेकेंड डिवीजन है तो SECONDE डालिएगा, ठीक है, स्पेलिंग डालिएगा। क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके स्कूल का नाम है, कौन से बोर्ड से आपने करी है, CBSE बोर्ड से करी तो CBSE लिख दीजिएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है क्लास 10th में उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे ही फिल करना है क्लास 12th का, क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास करी, क्लास 12th का परसेंटेज, डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड, वहीं पूछा है, फिर आपका स्कूल का नाम पूछेगा, फिर आपका पूछा है बोर्ड, फिर क्लास 12th में जो जो सब्जेक्ट है उसको डाल दीजिएगा। हैव यू पास क्लास 12th विथ मैथमेटिक्स, यस या नो कर दीजिएगा, अगर यस है तो यस, नो तो नो। क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट, कौन से स्टेट से आपने, जो आपका स्कूल था कौन सा स्टेट में था, तो यहाँ जो भी स्टेट होगा उसको सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग डिग्री पिन कोड, जो अभी आपका एरिया है जहां पे आपका स्कूल है वहां का लगे है या पिन कोड। अब आते हैं इस पे ग्रेजुएशन वाले पे, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पे अगर अवेटेड है तो अवेटेड कर दीजिएगा, अगर आपको रिजल्ट नहीं आया है तो पास्ट है तो पास्ट कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास्ट फाइनल एग्जाम, ठीक है, जो भी आपका पासिंग ईयर है उसको डाल दीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारा है हमारा, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे BFA डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए हैव यू पास योर ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, यस ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट, तो हमने डाल देंगे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ग्रेजुएशन नेम ऑफ बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी,
तो हम डाल देंगे यहाँ पे LNIP ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज, यहाँ भी डाल देंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर कोर्स का नेम है हमारा BPED, ग्रेजुएशन में डिवीजन कौन सा है हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देंगे, ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट कौन से स्टेट में है आपका, अगर आपने कौन से स्टेट से किया है LNIP तो हमारा है मध्य प्रदेश, तो हमको यहाँ पे चूज करना है MP। क्वालिफाइंग डिग्री पिन कोड यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे ग्वालियर का, रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइप ठीक है, मार्क्स ओनली, अब मार्क्स ओनली पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आगे पूछेगा आपका परसेंटेज जो भी बन रहा है यहाँ पे पूरे 8 सेमेस्टर का डाल दीजिएगा। टीम टर्म ड्यूरेशन आपका जो आपने क्वालिफाइंग डिग्री करी है कितने सेमेस्टर का है, अगर 8 का है तो यहाँ पे 8 कर दीजिएगा, अब यहाँ पे 8 का कर दिया आपने तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आगे बढ़ेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, आपको पहले सेमेस्टर में कितना मार्क्स मिला, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स में से, फिर ये परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे आपको 8 सेमेस्टर का फिल करना है, फिर यहाँ पे टोटल फिल कर दीजिएगा और आपका परसेंटेज आ जाएगा, फिर आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने फिल कर लिया है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको आना नीचे स्क्रॉल डाउन करके जब फिल कर लेंगे सब कुछ आप देख सकते हैं कैसे मैंने फिल किया, एक एक सेमेस्टर का टोटल मार्क्स ऑब्टेन, फिर टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था उस सेमेस्टर में, फिर लास्ट में टोटल था, और 7 नेक्स्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। एकेडमिक डिटेल्स पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है जो मैंने फिल किया है वही सब आ रहा है शो हो रहा है, एक बार आपको चेक कर लेना अच्छे से ठीक है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, अगर आपको अपडेट करना है कुछ चेंजेस करना है कुछ गलती भर दिया तो आपने अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, बाकी सही है तो नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब हमने कर लिया है नेक्स्ट, तो अदर डिटेल्स पर आ गए हैं, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका प्रेफरेंस वाला आ गया ऑप्शन, ऑप्शन स्टूडेंट्स फॉर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, अब प्रेफरेंस पे यहाँ पे आ रहा है ब्रांच में खाली आ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है अपडेट पे और क्लिक करेंगे अपडेट बटन पर, फिर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन अपना अपना प्रेफरेंस चूज करने का ठीक है। उससे पहले हम देख सकते हैं डू यू नीड हॉस्टल एकोमोडेशन, तो यहाँ पे करना है आपको यस ठीक है, नो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन लगती है तो यस करिएगा, नहीं लगती तो नो कर दीजिएगा। तो पहला प्रेफरेंस हमने भर देता है जो भी हमारा मन करता है ठीक है, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। तो भर लेते हैं हम भी अपना पूरा पहले फटाफट प्रेफरेंस, फोर्थ ऑप्शन पे हम रख लेते हैं अपना हेल्थ को, फिफ्थ पर रख लेते हैं हम, जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने अपना अपना प्रेफरेंस चूज कर लिया है, आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स है आप ही उस हिसाब से चूज कर सकते हैं ठीक है, एक बार अच्छे से इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि प्रेफरेंस वाला जो रहता है बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना रहता है ठीक है, बाकी सब भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं 7 नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे सब कुछ सही है कि नहीं है, पहला प्रेफरेंस आपको दिखा रहा है यहाँ पर मैंने क्या चूज किया, पेडागोजी फिर फिजियोलॉजी फिर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स हेल्थ साइंसेज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और फिर अगर आपको चेंज करना है इसमें कुछ तो अपडेट कर दीजिएगा नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर दोस्तों मांग रहे डॉक्यूमेंट्स, तो जो मैंने अपलोड कर दिया फोटो सिग्नेचर OBC का जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी का वो भी अपलोड हो चुका है, अब यहाँ क्या मांग रहा है क्लास 10 स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल एंड अपलोड ठीक है, जो क्लास 10 का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, फिर 12th का, फिर यहाँ पे क्या मांगा है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका मार्कशीट है BPED का जो आपके फाइनल सेमेस्टर का जो आपको मिला हुआ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए फटाफट अपलोड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, आपको फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिए हैं जिसका मैंने फिल फॉर्म फिल करा था ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, आप एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जिसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या आपने कैसे भरा हुआ है सब कुछ सही है कि नहीं है, एक बार अच्छे से डिटेल्स को वेरीफाई कर दीजिएगा ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, तो चलते हैं हम उसके तरफ, और यहाँ पे करना है पे फी पे क्लिक, तो मैंने उस पर क्लिक किया,
तो यहाँ पे आ गया फी एग्जेम्प्टेड, मतलब आपका फीस कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। एमपीडी के लिए, काउंसलिंग के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको टिक करना है जो भी आपका नाम है, यहाँ पे माई कैटेगरी ये है, जो भी है आपका, सबमिट टिक करके बॉक्स में सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगा सबमिट, ठीक है। तो योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। देख सकते हैं अपडेट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, और क्या है प्रिंट फॉर्म, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लूंगा प्रिंट फॉर्म। तो दोस्तों ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ मैंने फिल कर दिया है। तो ये आपका फिल हो गया ये पहले सेंटर का, ठीक है। ये मेरा हो गया कौन सा, पहला प्रेफरेंस का। अब आपको मान लो गुवाहाटी में अप्लाई करना है सेकंड काउंसलिंग में, बाकी वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपका रैंक अच्छा है और लगता है ग्वालियर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ पहला प्रेफरेंस भरने की जरूरत है। अगर लगता है आपको दूसरा भी अप्लाई करना है तो अपडेट प्रेफरेंस पर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रेफरेंस वन देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, प्रेफरेंस वन पे हमारा मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। अब हो गया, अब क्या करना है, जैसे मान लो मुझे गुवाहाटी के लिए भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे करेंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक, ठीक है। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम लेवल चूज कर लिया, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम मैंने चूज कर लिया, अब आएगा गुवाहाटी वाला। अब फिर आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसा सेम जैसे आपने भरा था उसका नेक्स्ट करिए, जैसे मैंने आपको बताया ग्वालियर सेंटर वाला सेम। आपको अगर गुवाहाटी चाहिए तो पहले गुवाहाटी का कर लीजिएगा एज अ पहला प्रेफरेंस में, अगर ग्वालियर चाहिए तो पहले ग्वालियर का, वाइस वर्सा जो भी आपको लगे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सब स्टेप फॉलो करेंगे फिर आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पहला प्रेफरेंस जो चूज किया है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर पे, प्रेफरेंस टू पे मैंने रखा है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन गुवाहाटी। सेम प्रोसेस है, फटाफट अगर आपने पहला फिल कर लिया दूसरा भी फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी मैंने बताई दिया सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, बाय बाय।